फैमिली के साथ क्यों करूँगा, मैं फैमिली के साथ कुछ भी डिस्कस नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि फिल्म जब बन जाए तो फैमिली देखे, और जो अच्छा है अगर उनको अच्छा लगता है तो मुझे खुशी होती है, अगर बुरा लगता है तो हम उस पर बैठ के बात करते हैं। अलीगढ़ की शूटिंग की बात करें तो बरेली में शूटिंग के दौरान काफ़ी दिक्कतें आई थी, थोड़ी बहुत आई थी, लेकिन उतना चलता है। हम जब शूटिंग करने जाते हैं कहीं बाहर तो हर कुछ हमारे मन मर्जी से होता नहीं, क्योंकि नया शहर होता है, नए तरीके की का कल्चर होता है, नए तरीके के लोग होते हैं, तो उनके साथ लोगों को हमारे साथ एडजस्ट करने में, हमें लोगों के साथ एडजस्ट करने में थोड़ी बहुत मुश्किल आती है, बाकी सब सही था। जब कहानी सुनाई जाती है तो उस पात्र के लिए कुछ तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि इस तरह का रोल आप पहली बार कर रहे हैं, मैं हर पात्र के लिए तैयारी करता हूँ, मैं किसी भी पात्र को बिना तैयारी के नहीं करता हूँ। इतना बड़ा एक्टर नहीं हूँ मैं कि बिना तैयारी किए हुए कोई भी पात्र कर जाऊँ। इस तरह आपका एक्सपीरियंस कैसा था ये अलीगढ़ की शूटिंग करने? बहुत बढ़िया रहा था, करीब 30-40 दिन की शूटिंग थी, 30-40 दिन की शूटिंग में दाढ़ी बढ़ा के रखा हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि वो एक अच्छी फीलिंग नहीं थी, लेकिन ठीक था, अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था। बरेली शहर के लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे खाना खाने को दिया, और जिसका रिजल्ट ये है कि हमने अच्छा काम किया, सबने मिलकर काम किया, बहुत अच्छा काम किया। अब ये तो इन लोगों का बड़प्पन है कि चीफ गेस्ट बनाया गया है, पता नहीं सारे गेस्ट तो एक ही जैसे होते हैं, उसमें चीफ कौन सा है पता नहीं चलता है, लेकिन विनय जायसवाल की एक फिल्म शॉर्ट फिल्म का मैं हिस्सा था, मैं और रवीना टंडन, हमें बहुत मज़ा आया था, हमारे लिए एक नया अनुभव था, और उसको मद्देनज़र रखते हुए आज इन्होंने एक फंक्शन में बुलाया है और मैं आया हूँ। थैंक यू।